नमस्कार। बॉलीवुड में बहुत से ऐसे सितारे हैं जो बेहद कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हो गए थे। इन एक्टर ने बाल कलाकार के रूप में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। आज हम आपको ऐसे ही सुपरस्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और आगे चलकर करोड़ों लोगों के दिलों पर अपनी अदाकारी से इन्होंने राज किया। आगे हम आपको बॉलीवुड के उन बाल कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ चाइल्ड एक्टर्स के तौर पर नाम कमाया बल्कि बड़े होने के बाद एक बार फिर से छा गए। आगे चलकर प्रसिद्धि पाने वाले इनमें से कई स्टार किड्स भी हैं। आज हम एक एक कर इन सभी स्टार्स के बारे में जानेंगे जो अपने बचपन में बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आए और आगे चलकर सुपरस्टार्स बने। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं श्रीदेवी के बारे में। हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी ने एक्टिंग के अपने सुनहरे सफर की शुरुआत की थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। श्रीदेवी ने मात्र 4 साल की उम्र में तमिल फिल्मों से एक्टिंग की शुरुआत की थी। फिल्म सदमा में अपने शानदार अभिनय से लेकर तोहफा, हिम्मत वाला जैसी कमर्शियल फिल्मों में श्रीदेवी ने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। आमिर खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ न कुछ नया मैजिक दिखाने के लिए इन्हें पसंद किया जाता है। आमिर खान की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आमिर अब तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। लीड एक्टर से पहले वह बाल कलाकार के रूप में भी नजर आ चुके हैं। सन 1973 की फिल्म यादों की बारात में वह दिख चुके हैं। यादों की बारात फिल्म के बाद आमिर खान ने बतौर लीड एक्टर फिल्म होली में काम किया था। 1988 में कयामत से कयामत तक में आमिर खान हीरो के रूप में आकर दर्शकों के दिलों पर छा गए। इस कड़ी में अगला नाम है अभिनेता ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन अपनी एक्टिंग और डांस से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। ऋतिक ने फिल्म कहो ना प्यार है से फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे। हालांकि वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी पहले काम कर चुके हैं। फिल्म भगवान दादा में रजनीकांत के साथ उन्हें देखा गया था। एक छोटे से बच्चे के रूप में उन्होंने उस समय गजब की अदाकारी दिखाई थी। 1986 में आई फिल्म भगवान दादा में ऋतिक रोशन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उसके बाद बतौर लीड एक्टर 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है में दिखाई दिए और रातों रात बॉलीवुड के सुपर स्टार बन गए। आमिर खान की तरह ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। ऋतिक ने साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया था। आपके दीवाने भगवान दादा बाल कलाकार के रूप में 1980 में काम किया। बॉबी देओल अभिनेता धर्मेंद्र के पुत्र और अभिनेता सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल ने बाल कलाकार के रूप में 1970 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फिल्म का नाम था धर्मवीर। आगे चलकर 1995 में धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने फिल्म बरसात में काम किया था। फिल्म बरसात का निर्माण राजकुमार संतोषी ने किया था और फिल्म बरसात में बॉबी देओल ने अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के अपोजिट हीरो का रोल किया था और सुपरस्टार बनने के स्टार किड के एक उदाहरण के रूप में बॉबी देओल हमारे सामने नजर आते हैं। अभिनेता बॉबी देओल के परिवार में ज़्यादातर स्टार्स ही हैं और ऐसे स्टार किड बॉबी देओल का अभिनय करियर 1970 से धर्मवीर फिल्म से शुरू हुआ था। 1995 में वयस्क के रूप में बॉबी देओल ने अपने करियर की फिर से शुरुआत की थी और बॉबी देओल सुपरस्टार के रूप में स्थापित हुए। बॉलीवुड में ऐसे ही स्टार किड्स भी हैं जो बॉबी देओल की तरह अपने अभिनय करियर में आगे आकर स्टार। ऐसे ही एक अभिनेता थे अभिनेता राज कपूर के पुत्र ऋषि कपूर जो आगे चलकर स्टार बने। 1970 में ऋषि कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेरा नाम जोकर में काम किया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे पहली बार बतौर लीड एक्टर फिल्म बॉबी में दिखाई दिए थे। ऋषि कपूर अभिनेता निर्माता एवं निर्देशक
राज कपूर के मंझले बेटे थे, उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर हैं। ऋषि कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर ने आर के स्टूडियो की स्थापना की थी। आर के स्टूडियो में फिल्मों का निर्माण से लेकर निर्देशन तक काफ़ी समय तक चलता रहा। अभिनेता ऋषि कपूर ने मेरा नाम जोकर में अपने छोटे रोल से लोगों को प्रभावित किया था। आगे चलकर ऋषि कपूर ने कई रोमांटिक फिल्मों में काम कर अपना मुकाम बनाया और सुपरस्टार का दर्जा ऋषि कपूर ने हासिल किया। अपने बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर की तुलना में ऋषि कपूर ने अपने परिवार में काफ़ी अधिक प्रसिद्धि पाई। ऋषि कपूर राज कपूर के मझले बेटे होने के अलावा एक स्टार किड्स इस तरह से होने के अलावा एक प्रतिभावान कलाकार थे। इन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में देकर दर्शकों का काफ़ी मनोरंजन किया था। ऋषि कपूर फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे और राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर एक स्टार किड्स होने के साथ एक बेहतरीन अभिनेता थे। अभिनेता शशि कपूर ने फिल्म में पहली बार 1948 में फिल्म आग में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। बाद में वे 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए। अभिनेता शशि कपूर रोमांटिक रोल में ज़्यादा पसंद किए गए। फिल्म जब जब फूल खिले और प्यार का मौसम जैसे सदाबहार फिल्मों में शशि कपूर के अभिनय को आज भी याद किया जाता है। आगे चलकर चरित्र अभिनेता के रूप में भी शशि कपूर ने प्रसिद्धि पाई। पद्मिनी कोल्हापुरी को अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर ने एक बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी कोल्हापुरी को अपनी फिल्म में 1978 में, जिसका नाम सत्यम शिवम सुंदरम था, में अभिनय करने का मौका दिया। उन्हीं राज कपूर ने 1982 में प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरी को अपने पुत्र ऋषि कपूर के अपोजिट रोल में रखा। पद्मिनी कोल्हापुरी अपने बचपन में रोल कर और आगे चलकर युवावस्था में भी रोल कर अपना एक फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम बनाया। पद्मिनी कोल्हापुरी इस तरह से स्टार बनी। नीतू सिंह कपूर पहली बार 1966 में आई फिल्म सूरज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दिखाई दी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नीतू कपूर बहुत सफल रही थी। बाद में वो फिल्म हीरा लाल पन्ना लाल में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। नीतू सिंह ने दो कलियां फिल्म 1968 में जुड़वा बहन करोल निभाने के अलावा वारिस 1969, 10 लाख 1966 जैसी फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। आगे चलकर नीतू सिंह ने कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ में ऋषि कपूर के पति भी थे। नीतू सिंह कपूर ने अपनी अदाकारी से दीवार 1975, खेल खेल में 1975, कभी कभी 1976, मसाला फिल्म अमर अकबर अधोनी 1976 और फैंटेसी फिल्म धर्मवीर 1977 में अपनी दिभा का लोहा मनवाया। फिल्म कभी कभी के सेट पर ही नीतू सिंह और ऋषि कपूर में रोमांटिक रिलेशंस होने के बाद उन्होंने 22 जून 1980 को शादी कर ली थी। विवाह के उपरांत नीतू सिंह कपूर फिल्मों से संन्यास लेकर अपना जीवन घर गृहस्थी में बसाने लगे। अभिनेत्री सारिका ने बेबी सारिका के नाम से कई फिल्मों में अपने करियर अभिनय करियर में बेबी सारिका के रूप में कई फिल्मों में काम किया था। और आगे चलकर अभिनेत्री सारिका भी स्टार का ही दर्जा प्राप्त किया उन्होंने। और कमल हासन से सारिका, अभिनेत्री सारिका की शादी हुई। अभिनेत्री सारिका अभिनय को शादी के बाद विदा कर दी और वह अपने गृह
घर गृहस्थी में ही हैं। इसके अलावा हम दो और अभिनेत्री की बात करना चाहेंगे जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में अपना अच्छा योगदान दिया। बाल कलाकार में इन दोनों ने काम किया, इन दोनों ने काम किया और आगे चलकर ये स्टार्स बने। संजय दत्त, संजय दत्त ने 1972 में फिल्म रेशमा और शेरा में काम किया था। वहीं बाद में उन्होंने रॉकी से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया और आगे चलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। उर्मिला मातोंडकर फिल्म मासूम में नसरुद्दीन शाह के बच्चों के किरदार में नजर आई थी। 1983 में ये फिल्म आई थी और आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे चहेती फिल्मों में शामिल हैं। थैंक यू।